उपलब्धि हासिल हो जाएगी। इसे पीएम मोदी का ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर सरप्राइज, कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी कुछ बड़ा या कुछ नया ऐलान कर सकते हैं, और वही हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सही है, ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई, यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट में मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्या है महिला आरक्षण बिल? दरअसल आखिरी बार 2010 में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था। 2010 में राज्यसभा से ये बिल पारित हो चुका है, उस वक्त तो लोकसभा में ये बिल पारित नहीं हो सका था। कुछ पार्टियां महिला आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी कोटे की मांग करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी के लिए इस बिल की मांग लंबे समय से की जा रही है। महिला आरक्षण बिल का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमेशा समर्थन किया है। कांग्रेस ने बिल को लेकर ट्वीट किया है और एक वीडियो जारी कर इस बिल की नींव रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्रेडिट दिया है। वीडियो में कांग्रेस ने लिखा कि सोनिया गांधी ने भी 2011 में इस बिल को लेकर कहा था कि हमें निचले सदन से भी इस बिल को पास कराना है। वहीं आगे राहुल गांधी का भी जिक्र है। राहुल ने 2018 में कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ी है, यानी महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होने के बाद इसके पास होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारा पूरा समर्थन, जिस दिन आप इस बिल को पास करना चाहते हो उस दिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, मगर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। पिछले 27 सालों से अटका है महिला आरक्षण बिल। करीब 27 सालों से महिला आरक्षण बिल संसद में लटका है। साल 1996 में देवगौड़ा सरकार में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, जिसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था। फिर साल 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिल पेश किया गया। उसके बाद 1999 से 2004 के बीच में 3 बार ये बिल पेश हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में आने पर फिर से इस बिल को पेश करने का वादा किया। यूपीए ने भी महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया। साल 2008 में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया गया, बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया। आखिर बार 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि संसद में बिल पास हो जाने के बाद मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में काफी फायदा हो सकता है। मोदी सरकार के लिए आधी आबादी का वोट हासिल करना आसान हो जाएगा। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र में महिलाओं को लेकर उनकी छवि मजबूत होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।